पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है एवं इसके परिसर में 5,400 बेड के अस्पताल का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसके बनने के उपरांत मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचने के लिए अतिरिक्त संपर्कता भी आवश्यक होगी। इस पृष्ठभूमि में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पीएमसीएच को गंगा पथ से एक्सक्लूसिव संपर्कता देने का निर्देश प्राप्त हुआ। निर्देश उपरांत आवश्यक स्वीकृति के उपरांत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसकी लागत राशि 131 करोड़ रुपए है एवं इसे जून 2022 से पूर्ण करने का लक्ष्य है। पीएमसीएच के राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के पास गंगा पथ से 4 लेन संपर्कता प्रदान किया जाएगा। परियोजना से संबंधित मुख्य तकनीकी बिंदु निम्न हैं: कुल लंबाई 1.112 किलोमीटर, संरचना का प्रकार एलिवेटेड स्ट्रक्चर, पाइल की संख्या 113, स्पैन की संख्या 23, सुपर स्ट्रक्चर का प्रकार कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर। माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना दीघा से दीदारगंज गंगा पथ का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गंगा पथ के आरंभ बिंदु दीघा, अंतिम बिंदु दीदारगंज के अतिरिक्त कुल 8 अन्य स्थानों पर पटना शहर से इसकी संपर्कता प्रदान की गई है। गंगा पथ परियोजना के निर्माण के उपरांत पटना के आंतरिक रिंग रोड की परिकल्पना साकार होगी। दीघा से एएन सिन्हा संस्थान तक के अंश को दिसंबर 2021 तक निर्मित करने का लक्ष्य है, जिससे दीघा अटल पथ, एलसीटी घाट तथा एएन सिन्हा संस्थान के संपर्क पथ के माध्यम से पीएमसीएच को संपर्कता प्राप्त हो जाएगी। मार्च 2023 में गंगा पथ परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरांत पटना शहर एवं राज्य के अन्य भागों से भी पीएमसीएच की संपर्कता सुलभ हो जाएगी।